Dear children, now I am going to tell you about the formal letters. अच्छा, अभी मैंने आपको informal letter बताया है एक वीडियो में. अब इसमें जो formal letter जो है, इसमें आपको मैं दोनों तरह के बताऊंगी. एक तो होते हैं जो हम लोग शिकायती पत्र लिखते हैं. जैसे मान लो आपको लेटर लिखना है कलेक्टर, ठीक है, सपोज ये दिया गया है और आपका एड्रेस दिया गया है, तो वही एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया ना, एडिटर को लेटर लिखे, फॉर्मल लेटर लिखे या इनफॉर्मल, एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सब में सेल्फ एड्रेस जरूर आता है, टॉप पे आता है, टॉप लेफ्ट पे, ठीक है. अब हमने कलेक्टर को लेटर लिखना है, हमको किस बारे में लिखना है कि इंक्रीजिंग क्राइम्स के बारे में. सपोज ये हमारा टॉपिक है, इंक्रीजिंग क्राइम्स इन आवर एरिया. ऐसा क्या है कि राइट अ लेटर टू द कलेक्टर वरिंग अबाउट या डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट, कंप्लेनिंग हिम अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम्स इन योर लोकैलिटी, है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है. अब इसमें अपने को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वैसे यू से टॉप लेवल पे क्या लिखा हमने, सेल्फ एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ दी, डेट, डेट जैसे मैंने आपको बताया, डेट है ना, डेट कैसे लिखोगे, यहाँ सेल्फ एड्रेस सपोज करो, मैं आपको ये बताई देती हूँ. ऐसे ही आपको इन्फॉर्मल लेटर में करना रहेगा कि डायरेक्ट लिखना रहेगा, ठीक है. आपका सेल्फ एड्रेस मान लो, सपोज आपका एड्रेस है 14/2 कस्तूरबा नगर, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है ना, कस्तूरबा नगर रतलाम, ठीक है. अब आप एक लाइन छोड़ेंगे, ये क्रॉस ध्यान रखना, आपको लाइन छोड़नी है आपकी कॉपी में. फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे आप डेट. तो मैंने जैसे आपको बताया 29 अगस्त 2020, फिर एक लाइन छोड़ दोगे. अब क्या करोगे, अब लिखेंगे हम यहाँ पे द कलेक्टर, आपको कलेक्टर को लिखना है ना, द कलेक्टर, कलेक्टोरेट, ऐसा करके लिखो, नहीं भी लिखोगे कलेक्टोरेट तो भी चलेगा, और डायरेक्ट रतलाम. फिर एक लाइन छोड़ दो, और क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना जरूरी है. हमने मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था इंक्रीजिंग क्राइम्स इन योर लोकैलिटी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग इंक्रीजिंग क्राइम्स, ठीक है. अभी मैं आपको कंप्लेंट लेटर्स बता रही हूँ, म्यूनिसिपल ऑफिसर, कलेक्टर, जिसको भी हम. अब उसके बाद में फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे सर, केवल सर, और कॉमा नहीं लगाएंगे यहाँ, ध्यान रखना, सर आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नोटिस द प्रॉब्लम ऑफ जो भी इंक्रीजिंग क्राइम्स इन आर लोकैलिटी. अब योर नहीं करेंगे हम, आर लोकैलिटी करेंगे, ठीक है. उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखते जाना है, ये भी वैसे के वैसे तीन चार पैराग्राफ ना, आपने इतनी समस्याएं लिखनी है कि चेन स्नैचिंग बढ़ गई है, लेडीज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, वीमेन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी सेफ नहीं है, जितनी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं सारी प्रॉब्लम्स इसमें लिख डालनी है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया. ऐसे जैसे कि आपको जितना प्रॉब्लमेटिक कोई है ही नहीं, आपको जितनी प्रॉब्लम हो रही, जितनी परेशानी हो रही, किसी को हो ही नहीं रही, ऐसा आपको लिखना है. अब आपने पूरा लेटर लिख लिया, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा एंडिंग कैसे करें, तो आप चाहें तो एंड, क्योंकि आपका लेटर वहाँ खत्म हो गया, सपोज जो मैंने बताया था है ना, उस लाइन में सपोज वो खत्म हो गया, फिर एक लाइन छोड़ो और आप इसमें एक अच्छी लाइन लिख सकते हो, आई होप दैट यू विल take a quick remedial action, ठीक है. फिर एक लाइन छोड़ना और क्या लिखोगे, लाइन छोड़ के, लाइन छोड़ के, yours faithful. ये थोड़ा नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, है भाई नाम दिया है, मान लो आपका नाम दिया सुरेश नागर, तो आप सुरेश नागर लिखोगे. नाम नहीं दिया, कोई भी नाम दिया जा सकता है, चाहे आप लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, उससे कोई नहीं.
लड़के हो लड़की कोई भी हो, जो नाम दिया नाम वही लिखना है, नाम नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे अपन, एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर।